बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोया, अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहियो सोया। आदि अनादि फल कहियो सोया। ये खेल देखन की प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धाम धनी अक्षरातीत लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर कल के प्रसंग में घटनाक्रम हमने सुना। चारों युगों के राजाओं के जो वर्णन, ये भी सातवें व्यवस्थ मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी के चारों युगों के राजाओं का वर्णन सुनने के बाद अंतिम बताया कि तापर औरंगजेब भाई यही कलयुग के नाम, तापर अवतार होएगा बुद्धकल की स्थान, धर्म ग्रंथों की साक्षिया के अनुसार अक्षरातीत परब्रह्म का इस संसार में आना हुआ अपनी आवेश शक्ति के साथ क्यों अपनी आत्माओं को जगाने के लिए और संसार के संपूर्ण जीवों की मुक्ति के लिए ये समय क्या था, ये भी हमने कल भविष्योत्तर पुराण की साक्षी के माध्यम से देखा कि जब औरंगजेब का समय होगा, वो भारत पर शासन करता होगा, उसी टाइम अक्षरातीत परब्रह्म की आवेश शक्ति संसार में संसार की मुक्ति के लिए, संसार के कल्याण के लिए इस संसार में प्रकटन होगा। और इसी के बाद हमने मूल मिलावे अंतिम प्रसंग में हमने सुना इश्क रबद का थोड़ा कुछ वर्णन हमने सुना, और उसके बाद मूल मिलावा। मूल मिलावा किसे कहते हैं? ये पंच महाभूत तन हमारा यहाँ है और हमारे अंदर जो जीव एक आत्मा जो बैठी है अंदर, वो आत्मा जो दिव्य परम धाम रंग महोल प्रथम भोम चार चौरस हवेली के बाद पांचवी जो गोड़ मूल हवेली है, उस हवेली के अंदर जो हमारे मूल परात्म तन बैठे हैं, वहाँ मूल मिलावे में मतलब हमारा मूल मिलावा, मूल मेला, दिव्य रंग महोल मूल मिलावे की हवेली में हमारा दिव्य परात्म तन बैठा है, इसलिए उसको मूल मिलावा कहा गया। और आज इस खेल में हमारा आना कैसे होगा और आगे के जो घटनाक्रम है उसमें हम आगे बढ़े, तो कल के प्रसंग में हमने यहाँ तक छोड़ा था कि परम धाम में कैसी हमारी इश्क की आनंदमय लीलाएं होती थी और राजी श्यामा जी और सखियों के बीच में जो एक प्रेम संवाद होता रहता था और अनादि काल से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और अनादि काल तक ये लीलाएं होती रहेगी, तो राज्य ने कैसे दिल में लिया, तब हक के दिल में उपजिया, मैं देखाऊ अपना इश्क और देखाऊ साहेबी, रूहे जानत नहीं मुतलक।
राज्य के दिल में ये इच्छा पैदा हुई। क्यों? कि रोज ही जो हमारी प्रेम संवाद की लीला चलती थी, श्यामा जी को ऐसा रहता था अंदर विचार कि मैं, मेरा प्रेम ज्यादा है। सखियों को ऐसा था कि नहीं, हम 12,000 ब्रह्मात्माएं राजी और श्यामा जी को कितना इश्क करती है, कितना प्रेम करती है। और राजी ने बोला कि नहीं सब सखिया, तुम नहीं जानती हो, रोम रोम रम रहिया पियो आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया हो गया एके रंग। तुमको पता नहीं आपके रोम रोम में जो इश्क है, आपके रोम रोम में जो प्रेम है, ये मेरे दिल के अंदर जो गंजान गंज इश्क है, वही मेरा दिल ही श्यामा जी आपका दिल है, मेरा दिल ही सखिया सबका जो दिल है, ये मेरा ही दिल है और सब दिलों में मेरा ही दिल लीला कर रहा है। ये बताने के लिए राजी ने दिल में लिया, क्या लिया? ये मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों को खेल देखन का उपजिया ख्याल। जो राजी के दिल में प्रेम आनंद क्रांति एकत्व और शोभा जो अनेक सागर जो उमड़ रहे, वो सागरों में जो हम डूबे हुए थे लेकिन वहां पहचान नहीं थी। सुख में तो सुख दायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आवे सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। परमधाम में तो सुखी सुख में हम डूबे थे, वहां पता ही नहीं था कि ये इश्क क्या है और इसकी के साहेबी क्या है। ये दिखाने के लिए अक्षर ब्रह्म तो अनादिकाल से रोजी अक्षरातीत, हमारे भी प्राणवल्लभ अक्षरातीत है और अक्षर ब्रह्म के भी प्राणवल्लभ अक्षरा, क्योंकि दोनों एक अंग है। स्वरूप एक लीला दोई, हम बोलते हैं ना स्वरूप एक लीला दोई, दोनों एक ही स्वरूप है। लेकिन राज्य चिद्गन स्वरूप का एक सत का अंग है, एक और आनंद का अंग है। लेकिन ये सत अंग को पता नहीं था कि इश्क और आनंद की क्या लीला है। तो अनादि काल से रोज ही चांदनी चौक में हमारा जो रंग माहौल है, प्रथम जो ये पक्ष है मध्य में, और एक भौम ऊंचे चबूतरे पर नौ भौम और दसवीं आकाशी वाला, उसके पूर्व दिशा में सामने ही जो हमारा आंगन, आंगन को हम चांदनी चौक कहते हैं, क्योंकि ये आंगन में खड़े होकर अब जब देखते हैं ना तो दसवीं चांदनी तक का पूरा दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उसको चांदनी चौक कहते हैं। तो चांदनी चौक में रोजी अक्षर ब्रह्म 7:30 बजे यहाँ के समय के अनुसार, परम धाम में तो एक घड़ी एक साइड, क्योंकि वहाँ कोई समय की मर्यादा, कोई काल का वहाँ संभव ही नहीं है, तो यहाँ के समय के अनुसार सुंदर साह जी सुबह को 7:30 बजे से 9 के बीच में दर्शन करने के लिए रोज आते थे। नूर जमाल के दीदार को इत आवे नूर जलाल, नूर जमाल के अरस में इत रूहे रहे कमाल, देख तू निशबत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल, देख तू निशबत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। तो राज जी ने अक्षर और सयन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से बस दिल में ले लिया कि नहीं, मेरी सखिया और श्यामा जी को जो अक्षर ब्रह्म मेरे सत अंग मायावी ऐसा जूठा खेल बनाते हैं और
जो लई करते हैं ये खेल को मैं दिखाऊं। तो रोज ही मैंने अभी बोला ना पूर्व कि रोज ही अनादिकाल से चांदनी चौक में दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन जब राज्य के दिल में ये इच्छा हुई तब ये इच्छा बाहर आके आदेश हुक्म बन गई और पूरा परम धाम में फैल गई। एक पलक से गंगजो निकसी हुआ 14 पानी, उन पानी से दो पर्वत ढपे दरिया लहर समानी। तो पूरे परम धाम एक रस है, पूरा परम धाम वाहदत्तमयी है। तो पूरा परम धाम में ये बात फैल गई और सखिया कभी भी अक्षर का अक्षर धाम सामने ही 900,000 कोस की दूरी पे है, लेकिन राज्य कई बार त्रिजी भूम की पड़साल से या कोई भी भूम की आगे जरूखे से या कहीं भी से चांदनी से दिखाते थे कि देखो ये अक्षर धाम है, ये मेरा सत अंग है, या कई भी कई बार अक्षर धाम के पीछे या आगे 7 वन है जो केल लिम्बोई अनार अमरूद जामुन नारंगी और बट ऐसे वनों में घुमाने के लिए कई बार हम जाते थे विहार करने के लिए, हंस विलास की लीला के लिए राज्य अंगुली निर्देशन से कई बार दिखाते थे, लेकिन हम किस में डूबी हुई थी? राज्य के दिल में प्रेम में पता ही नहीं चला कि ये कौन है पार पुरुष। ये अक्षरधाम है तो क्या कोई दूसरा पुरुष भी यहाँ रहता है? ये कभी भी अंदर प्रश्न उठा ही नहीं हमारे दिल में। जब राज्य ने दिल में लिया, क्योंकि वहां सबका दिल ही राज्य का दिल है, जब राज्य ने दिल में लिया कि आज मेरी सखियाओं को मैं ये मेरी साहेबी और मेरी प्रेम की पहचान कराऊं, तब सखियों ने जब जैसे अक्षर ब्रह्म राज्य तीसरी भूम के जो जरू के है उसकी दीवार को पीठ दे के जब राज्य बैठते हैं और सामने हमारा जो 40 जूत है 12,000 सखियों का, एक एक जूत में 300-300 सखिया है, कितनी 300-300। तो रोज जो सखिया की नंबर मतलब बारी लगती थी, रोज कोई कोई सखिया एकाध एकाध सखियों का रोज निरत रहता था, कोई बार नवरंगबाई का हो, कोई बार कमलावती का हो, कोई बार इंद्रावती का हो, कोई बार सुंदरबाई का। तो तभी जब खेल में आना हमारा हुआ उसी दिन किसका किसकी बारी थी? नवरंग बाई की। तो आगे निरत चल रहा है तीजी भूम की पड़साल में और राज्य ऐसे ही मुंह मोड़कर रोज ही अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते थे, लेकिन किसी को ही कोई भी सखिया को थोड़ी सी भनक भी थोड़ी सी भी सुगंध भी नहीं, पहचान शुद्धि भी नहीं हुई कि किसको दर्शन दे रहे हैं। और जब राज्य ने दिल में लिया तब रूहों की नजर कहाँ गई? राज्य की ओर गई और राज्य की नजर अक्षर ब्रह्म की ओर गई। इसलिए तो मैंने कल चौपाई में बोला कि पहले लय हक के दिल में ता पीछे आए माहे नूर। तो तभी जैसे ही राज्य की नजर गई तो सखियों की नजर राज्य पर गई, तो ऐसी सीधी नजर राज्य की अक्षर पर गई। तो अक्षर के दिल में आए आज घुंघरू की आवाज, आज नीरद की आवाज, ये कहाँ से मीठी मधुरी आवाज आ रही है? तो तब अक्षर ब्रह्म के दिल में भी इच्छा पैदा हुई कि आनंद और इश्क के रंग माहौल के अंदर क्या लीला हो रही है। तब सखियों की भी नजर राज्य की ओर गई तो राज्य ने बोला कि राज्य को बोला कि राज्य तुम आज इतना सुंदर नीरत छोड़ के एक ही टस हमारी ओर नजर करके कितना एकाग्रता से कितना ध्यान से, परमधाम में ऐसा करना नहीं होता, यहाँ की एक भाषा से समझाया जाता है, ठीक है, कितना एक रस हो के आप देखते हो। और आज ये नीरत से और भी कोई सुंदर चीजें है क्या चांदनी चौक में? ये नीरत से और भी आके का कोई सुख है क्या चांदनी चौक में? तो आप नीचे की ओर देख रहे हो। तभी सखियों को राज्य ने बोला कि सखिया, क्या बोला? सखिया ये मेरा सत अंग है। राज्य सखियों बोला कि क्या आपके सिवा और भी कोई पार पुरुष है? तब बोला हाँ, ये हम स्वरूप तो एक है लेकिन दो रूपों में
लीला करते हैं, सत्ता की लीला करते हैं, मेरे से प्रेम और आनंद की लीला हो रही है। तो फिर आगे और पूछा कि सब तो राज जी, अभी तक तो अभी आपने किसी कभी भी नहीं बताया कि दूसरा भी यहाँ कोई पुरुष रहता है। तो बताया कि नहीं सखिया, ये जानने की बात नहीं है, ये तो ऐसा नस्वर असत जड़ और दुखमय खेल बनाते हैं, ये जानने के योग्य नहीं है। तब सखिया ऐसा ना, हम भी मना करते तो और जिज्ञासा जगती अंदर, किसी को हम कोई चीज बताते नहीं तो उसके अंदर और सामने वाले के अंदर और जिज्ञासा और पिपासा जगती कि नहीं क्या चीज है कोई ऐसी रहस्यमयी गहरी कि भाई बता नहीं रहे राज जी, आज हमारे से तो कोई बात अभी तक छिपी नहीं रखी थी और आज राज जी ऐसी कौन सी बात है कि राज जी हमको नहीं बता रहे। तो सखिया ने और पूछा तो बोला राज जी ने कि नहीं सखिया, ये ऐसा नस्वर ऐसा अंधेर का खेल बनाते हैं कि वो इतना जूठा है कि वहाँ जाके तुम मेरे को भूल जाओगी। तो सखिया ने बोला क्या खेल क्या चीज है, सखिया कौन थी सुंदर साथ जी, हम ही तो थे, कौन थी सखिया, हम ही तो जो आज चेयर पर यहाँ पर सब बैठी है वही तो थी। तो फिर पूछा कि राज जी ये खेल क्या है, ये दुख क्या है, क्योंकि परम धाम में रूहे बेन्याज थी ने, पता ही नहीं था कि खेल क्या चीज है, ये दुख क्या चीज है। तब जाके सखियों ने पूछा कि राज जी ये दुख क्या चीज है, ये खेल क्या है। तब राज जी ने बोला कि ये जानने योग्य नहीं है। तब और अंदर से पिपासा जगी और सखिया ने पूछा कि नहीं राज जी, आज तो हमको ये बस दुख रूपी खेल देखना ही है, चाहे कुछ भी बोलो किसी भी तरीके से समझा लो, लेकिन आज तो ये असत जड़ और दुखमय खेल देखना ही है। तब जाके राज जी ने बोला कि सखिया वहां जाके तुम मेरे को भूल जाओगी, इतना ही नहीं हमारा घर भी भूल जाओगी, परमधाम को भूल जाओगी, इतना ही नहीं तब तक तो ठीक है, स्वयं अपने को भी भूल जाओगी। क्या बोला, स्वयं अपने को भी भूल जाओगी, इतना भी नहीं। और राजी ने कई दहशत मतलब डर बताया, बिक बताई, डर बताया, क्या बताया कि सखिया मैं अपने रसूल को भेजूंगा मोहम्मद के रूप में, मुस्तफा बेग के रूप में, वो संदेश लेकर आएंगे, आप नहीं मानोगी। पहले से सावचेत किया है, देखो सीता दीदी तो भी हम इतनी कहां लगी है, बस राज जी और कोई नहीं। फिर बोला के तो भी तुम संदेश को भी ठुकराएगी, नहीं मानेगी। फिर आगे क्या बोला, मेरी श्यामा जी, मेरी आनंद अंग बड़ी रूह श्यामा जी आएगी, और चौपाई भी बताई वाणी में के रूहल्ला आउसी कैसी दो सुकन, सुन सुन तुम रोएसी पर होश में ना आवे कोई, मेरी श्यामा जी आएगी आपको पूरी वहां की वास्तविकता की हकीकत की 25 पक्ष परम धाम की लीलाओं का वर्णन करेगी, व्रज का वर्णन करेगी, रास का वर्णन करेगी, कई निशानियां कई संकेत देगी, लेकिन आप मानोगी नहीं। आप क्या कहोगी कि अरे तुम कौन, हम तो जो रप बाब दादो का जे, मतलब हम जो परदादा से या जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज जो जिसको पानी पत्थर अग्नि देवी देवता काल्पनिक जड़ पूजा करते आ रहे हैं, वही तो हमारे खुदा है, वही तो हमारे परमात्मा है। आप यही बोलोगी, वो रो रो के लल लर के इतना नहीं विलख विलख कर आपको वचन कहेगी, आप नहीं मानोगी। तब सखिया ने जाके बोला कि राज जी इतना सावधान कर रहे हो, इतना पहले से अलर्ट कर रहे हो, तो क्या हम इतनी नादान है, हम ऐसा क्या बेसुधी का खेले के हमको घर भुला देंगे, स्वयं को भी भुला देंगे और आपको, ऐसा तो कभी हम करेंगे
नहीं, आपका इश्क कितना जोरावर है, हमारे अंग अंग में रोम रोम में इश्क है आपका। ये इश्क के पास ये माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? क्या बोला हमने परम धाम में? ये माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? ये माया का हमारे पास कुछ भी बल नहीं चलेगा। राज जी अंदर से हंस रहे, अभी ये कीर्तन गाया ना निष्पत के सागर, ओ नहीं दूसरे नंबर का, सागर ग्रंथ के दूसरे नंबर का, रूहों की शोभा वाला, उसकी अंतिम चौपाई, महामती कहे बेठिया देख के हंक हंसते हम पर, देखो इन विध खेल में भेलिया रहे क्यों कर। राज जी ये सब बातें सुनते सुनते हंस रहे अंदर से, उसको तो सब पता है क्योंकि जागृत कौन है, हम तो वहां प्रेम की बेसुधी में थे, यहां माया की, यहां माया की बेसुधी में, वहां किस बेसुधी में थे? दोनों जगह हम तो बेसुधी में ही है, वहां प्रेम की बेसुधी में थे। जागृत तो एक राज्जी है, तो राज्जी तो सब कुछ बातें जानते थे। तब सखिया ने बोला कि नहीं राज्जी ऐसा नहीं होगा, तो देखो सुबह से 7:30 बजे से बस यही बात अंदर घूम रही है कि नहीं। सखिया आपस में एक दूसरे से बात करिए, देखो राज्जी कोई ऐसा खेल की एक दहशत डर बता रहे हैं, हम ऐसे ही सट कर बैठ जाए, एक दूसरे से ऐसे अंगो अंग लगा के बैठ जाए कि राज्जी ऐसा डर बता रहे खेल का, ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि हम यहाँ अलग ही नहीं है, तो खेल में जाके कैसे जुदागी होगी। तो ऐसी परस्पर ऐसे बात कर रही है सखिया कि नहीं ऐसा राज्जी नहीं होगा। तो राज्जी ने बोला चलो ठीक है, तो 3 बजे तक, सुबह से 9 बजे के बाद 3 बजे तक बीच का जो समय रहा, सखिया वनों में जाती है, कहीं छोटी वो जो फूल कोई सब्जी ये जो टोपले में लेकर आती है, कटोरिया में लेकर जब वनों से आती है, तो वहाँ जब गई ने वो अन्न वन दुबदुली चा फुलबाग नूरबाग, तो वहाँ भी पूरा दिन यही बात चलती रही कि देखो राज्जी ने जो सुबह को बोला है ने वो बात भूलना मत, आज दुख का और जो ऐसे नस्वर जो खेल राज्जी दिखाने जा रहे हैं, ये राज्जी आज पूछे ना 3 बजे हम जब नीला न पीला मंदिर में जाए, तो राज्जी पूछेंगे सखिया आज किस घाट में किस पक्ष में खेलने के लिए जाना है। तो देखो आप सब एक ही विचार एक ही भाव रखना, राज्जी पूछे तब एक साथ एक स्वर में बोलना, राज्जी आज पाट के घाट जाना तो एकम का दिन है पाट के घाट, लेकिन आज पाट के घाट नहीं, आज तो माया के घाट जाना है। कहाँ जाना है राज्जी? आज पाट के घाट नहीं, आज तो जो आपने सुबह को बात की थी ने, जो माया और खेल ये शब्द भी हमने परम धाम में सुने नहीं थे, वहां जाना है। तो सब सखिया बोली हाँ हम सावधान देंगे, आप एक दूसरे को साक्षीपुर में रहना कि हाँ मैंने भी ये बोला था आपने भी यही बोला था। इतना करते करते 3 बज गए, 3 बजे नीला न पीला मंदिर में हम गए सब एक साथ। पहले तो हम आगे पीछे जूथ में जाती थी, लेकिन आज एक स्वर में कहना था ने, तो एक साथ इतनी अंदर से लगी है क्योंकि ये देखा नहीं था सुंदर साथ जी। तो हम सब साथ में गई और वहाँ राज जी को बीड़ा कहीं फल ये कुछ आरोगाए जलपान करवाया, और उसके बाद राज जी ने पूछा कि सखिया आज कहाँ जाना है। तब सखिया ने बोला सुबह एक कोई आप आश्चर्य कोई वाली एक कोई बात बता रहे थे कि माया का खेल असत है जड़ है दुखमय है, तो हमको ये खेल देखना है। तब राज जी ने वहाँ भी बार बार समझाया कि सखिया मत जाओ वहाँ, जाके आप अलग अलग भेष में अलग अलग बोली में अलग अलग प्रांत में अलग अलग घरों में जुठे रिश्ते परिवार बच्चा बाल मतलब इसमें ऐसी फंस जाओगी, और ये जो सत्य अनादि घरे आप भूल जाओगी, और थोड़े समय के लिए जो बनाए हुए रिश्ते में आप इतनी फंस जाओगी, आती आन के फांसी लगाई बोलते ना सुनो रे सत के बंजार, ऐसी फांसी लग जाएगी कि आपको किसी की मतलब आपको एक दूसरे की भी शुद्धि वहाँ नहीं रहेगी, कि एक साथ 12,000 को मैं भेज रहा हूँ
लेकिन 12,000 भी एक साथ नहीं रह पाओगी। जैसे मोती एक बार माला जब टूटती ने, जब नीचे गिरते और फिर पूरा नीचे बिछ जाते ना, और पता ही नहीं लगता कहाँ कहाँ मोती गिरे हैं, फिर एकत्रित करने में कितना टाइम लगता है। वैसे ही बताया कि आप अलग अलग स्थानों में, प्रांत में, कई देश में चले जाओगी। और राज जी ने तो बहुत सी बातें बताई कि ऐसे ही फंस जाओगी, और आगे भी बताया कि भाई मैं स्वयं आऊंगा तो भी आप मेरी बात को नहीं मानोगी। फिर आगे राज जी ने कई प्रकार के डर बताए, तो सखिया तो भी बोली कि नहीं राज जी, आज तो ये खेल को देखना है, देखना है और देखना है। तो राज जी ने बोला चलो तले की भूम में, कहाँ मूल मिलावे में। तो दो बैठक हमारी खत्म हुई, एक सुबह की तीसरी भूम की, दूसरी ये तीसरी भूम में ही नीला न पीला मंदिर की। और राज जी ने बोला चलो तले की भूम में मूल मिलावे में। वहाँ सब हम सब सखियों को लेकर राज जी मूल मिलावे में लेके गए। वहाँ भी जाके राज जी ने फिर वो सुबह वाली बात ली कि सखिया मत जाओ, ऐसा ही ये नट की तरह, एक जादूकर की तरह ये खेल है कि परमधाम की जो साहेबी है, जो इश्क है, उसमें जो आप डूबी हो परमधाम की लीला शोभा में, ये सब कुछ को आपको विस्मृत हो जाएगा। और बताया कि आप मेरे चरणों से भी दूर नहीं होगी। देखो आप मेरे चरणों में अभी मूल मिलाव में बैठी हो ने, इस चरणों में मेरी छत्र साया में मेरी नूरी नजरों की तले आप रहेगी, मेरी कवाई तले रहोगी, लेकिन आपकी अंदर से सुरता एक आत्मा ऐसा जूठा तन धारण करेगी, ऐसे जूठे खेल को देखेगी कि आपको वास्तविकता वही लगेगी कि नहीं ये खेल ही सत्य है। तब सखिया ने बोला कि चलो एक से एक अनार की जो कली होती ने वैसे ही सट सट कर एक दाड़म की अनार की कलियों की तरह हम मूल मिलावे में बैठ गए। और सखिया आपस में एक दूसरे को सावचेत करने लगी कि देखो राज जी कोई डर वाला तो खेल बताने जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करें कि वहाँ कदाचित मैं भूल जाऊँ तो मुझे तुम जागृत करना, और तू भूले तो मैं तुझे जागृत करूंगी। एक दूसरे को यही आपस में बात चली। और राज जी ने जैसे ही अनेक बार बताया ना कि तीन बेर मना किया तब मांगिया, फेर कितनी बार राज जी ने मना किया, तीन बेर मना किया, सुबह को भी मना किया, दूसरी बेर भी मना किया, वो तीसरी बेर भी किया कि सखिया ये खेल देखने योग्य नहीं है, तो भी हमने उसका माना नहीं, हमारी चाह और बढ़ती गई। और अंतिम राज जी ने निर्णय कर लिया कि आज तो सखियों को ही खेल दिखाना है। सखियों को मूल मिलावे में बिठा भी दिया और राज जी ने फरामोशी का आवरण डाला। और जैसे ही फरामोशी का आवरण डाला तो हमारा परात्म तन तो मूल मिलावे में अनादिकाल से बैठा है, अभी वर्तमान में इस समय इस घड़ी में भी वहाँ ही बैठा है। और जब मूल तन में परात्म में जगेगी तब वहाँ एक साइत एक घड़ी भी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कोई समय की मर्यादा, वहाँ कोई काल या समय नहीं है। सुंदर साथ जी, राज जी ने 1.5 घंटे तक, 3 से 3 बजे मूल मिलाव में लेकर राज जी गए थे हम सब सखियों को, तो 4:30 बजे तक हक्का बरसिया नूर, खिलवत में क्या बोला, हक्का बरसिया नूर, राज जी का नूर बरसता रहा, लेकिन हमने एक मानी नहीं। और हमारी ऊपर राज जी ने फरामोशी के आवरण डाले और क्या बोला राज जी ने, हके कैया उतरते तुम जाओ बीच न सूत,
आप वतन मोहे जीन भूलो मैं बैठा भी चला हो तो देख तू निशबत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल तब कया अरवाहोने क्यों भूले हम तुमको। खिलवत में क्या किया क्या बताया तब कया अरवाहोने क्या भूले हम तुमको पहले किए आप चेतन तो क्या खेल करे हमको देख तू निशबत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल ते तेरे कानो सुने हक बका के बोल। अरे राज जी आपने पहले चेतन मतलब सावधान किया तो ये खेल हमारा क्या बिगाड़ेगा हम आपको नहीं भूलेगी ऐसा बस इतना ही बोला। और राज जी ने अंतिम ये भी बोला कि रूहो ध्यान से सुनना राज जी के अंतिम वचन मूल मिला में क्या थे ध्यान से सुनना कि क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूं क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूं अलस्तो बीरब कुम। तब बले कहिया अरवाहों ने चौकस अवश्य राज जी आप हमारे खाविंद हो। यही शब्द अभी मूल मिलाप में गुंजायमान हो रही है ये शब्द जब हम मूल तन में उठेगी ने तब यही शब्द सुनाई देंगे के बल्ले चौकस अवश्य राज जी निश्चित तम आप हमारे प्रियतम हो प्राणनाथ हो। लेकिन खेल तो देखना है। तब राज जी ने सबसे प्रथम कहाँ उतारा हम सब सखियों को जो एक काल माया का समय से बंधा हुआ ये तीसरा जो जागणी करा ब्रह्मांड है वैसा वाला आज से 5000 साल पूर्व ऐसा ही समय से बंधा हुआ काल से बंधा हुआ एक काल माया का व्रज का ब्रह्मांड बनाया राज जी ने कैसे बनाया ये मैंने कल परसों थोड़ी थोड़ी बात तो रख दी थी आज मैं शॉर्ट बता दू। जैसे ही राज जी ने दिल में लिया तो परम धाम में तो कोई लीला बनती भी नहीं और वहां वत घड मतलब कम ज्यादा वहां तो ऐसी लीला कोई होती ही नहीं क्योंकि स्वरूप एक लीला दोई। यही जो आदेश हुआ अक्षर ब्रह्म के दिल में ये आदेश किया अक्षर ब्रह्म भी वहाँ रंगमहल के सामने अक्षर धाम में वहाँ से कोई लीला नहीं कर सकते सत्ता की तो अक्षर ब्रह्म ने भी क्या किया जो अपना योग माया ब्रह्मांड है बेहद भूमि का है वहाँ ऊपर से लो तो सत्स्वरूप केवल ब्रह्म शबली और अव्याकृत मन बुद्धि चित और अहंकार तो वहाँ से तीन पाद को छोड़कर जो अव्याकृत चौथा पाद है वहां से खेल की जो लीला ये की भूमि का तैयार होती है तो पहले राज जी के दिल में इच्छा हुई ये आदेश अक्षर ब्रह्म को हुआ। अक्षर ब्रह्म ने सत स्वरूप जो अपने अहंकार के स्वरूप है उसमें मूल प्रकृति कहा गया है मूल प्रकृति किसको कहते हैं जो अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर ये खेल बनाने की जो इच्छा पैदा हुई संकल्प किया इसको कहते हैं मूल प्रकृति। तो ये मूल प्रकृति से खेल बनना शुरू नहीं हुआ इसके बाद
सबली चिदान जो केवल ब्रह्म का आनंद और सबलिक का चिद चिदानंद, लेकिन वहां से भी व्यक्त नहीं हुआ और आगे अव्याकृत के महाकारण में सुमंगला सुमंगला से चैतन्य आया और रोदिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म और आगे उसका स्थूल रूप नारायण के रूप में ये मोह सागर में प्रकट हुआ। कैसे हुआ? जो ये मोह अभी हम जो ये यूनिवर्सल ये ब्रह्मांड को जो हम दिख रहे हैं, ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ? तो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के उसके मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म है, उसके स्वप्न के स्वरूप कौन? उसने संकल्प किया नारायण ने, और मन के स्वप्न के स्वरूप नारायण है, और नारायण में मोह सागर में संकल्प किया के एको हम बहुश्याम, मैं एक में से अनेक हो जाऊं। तो ये मोह सागर से महतत्व रास ग्रंथ में पहले नंबर के प्रकरण में हम बोलते हैं कि वली लिदो तत्व मोह जे थकी उपन्यासहु कोय। रास ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में हम बोलते हैं तत्व सवेणीय जीती लीधा चौदे लोक पोतान, वड़ी लीधो तत्व मोह जे थकी उपन्यासहु कोय। तो मोह सागर और मोह सागर से महतत्व, महतत्व से अहंकार, इंद्रिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व की रचना हो गई। और पृथ्वी तत्व की रचना में ऐसा एक काल माया का ब्रज का ब्रह्मांड बन गया, और उसी के अंदर जो लीला होगी 11 साल और 52 दिन की। तो कहाँ से शुरू होती है ब्रज की लीला? सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी ने ये किरंतन ग्रंथ में तारतम वाणी में किरंतन ग्रंथ में बताया है, आज बधाई ब्रज घर घर में प्रगट्या है श्री नंद कुमार, दूध दधि उमर धोए तोरण बांधे ब्रज की नार, आज बधाई ब्रज घर घर में प्रगट्या है श्री नंद कुमार। तो काल माया ब्रह्मांड में राज्जी ने कैसे भेजा? तक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व चौदे भवन, या में महाविष्णु मन मंथे त्रिगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न। तो ऐसा एक काल माया का ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसी के अंदर जो कृष्ण के रूप में मथुरा की जेल में वसुदेव और देवकी, तो देवकी से गर्भ से बालक का जो जन्म होता है, अगले जन्म में वसुदेव और देवकी पृष्णी और सुतपा थे। उसने अगले जन्म में मांगा था कि आप जैसा, किसी के पास? विष्णु भगवान के पास, कि आप जैसा बालक मेरे गर्भ से जन्म ले। तो अगले जन्म की उसकी साधना के फलस्वरूप दूसरे जन्म में वो चतुर्भुज स्वरूप में यही विष्णु भगवान देवकी और वसुदेव को मथुरा की कैद में जेल में दर्शन देते हैं, और क्या संदेश देते हैं कि आपने जो मांगा था कि आप जैसे बालक का मेरे गर्भ से जन्म हो, तो हे माता जी आपके गर्भ से मैं सिर्फ जन्म लूँगा, और जो बालक का जन्म हो जाए उसको फिर कहाँ छोड़ना? गोकुल के अंदर। तो वहाँ वसुदेव और देव की कंस की कैद में मथुरा के अंदर है। आप सबको विदित है, अब सब जानते हो भागवत के माध्यम से, ये विस्तार से मैं इस प्रसंग में नहीं जाऊँगी कि ये कंस कौन था,
ये मथुरा का जो भी है ये प्रसंग, लेकिन सुंदर साह जी इतना ही कहूँगी कि क्या कि जहाँ से प्रागट्य हुआ तो जन्म किसका होता है पहले हम ये समझ ले, जन्म जीव का होता है। आत्मा और परमात्मा का कभी जन्म मतलब आत्मा का नहीं होता। नैनम छिदंती, गीता में बताया ना, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पाप, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता तो मरने का कोई प्रश्न या सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो यहाँ जीव का जन्म होता है, तो परम तत्व परमात्मा की तो अक्षरातीति तो आवेश और जोश की शक्ति आएगी। तो यहाँ मथुरा की जेल में विष्णु भगवान के जीव ने जन्म लिया। किसके, किसने, विष्णु भगवान के जीव ने जन्म लिया। और चतुर्भुज स्वरूप ने उसने दर्शन दे के बोला कि तुम जैसे ही बालक के रूप में, मैं चार भुजा से दो भुजा स्वरूप जो श्याम, वाणी में बताया ने, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, मैं दो भुजा का स्वरूप ले लूंगा, तभी आप इस बालक को लेकर गोकुल में नंद जी के वहां छोड़ देना। तो जैसे ही बालक का अगला, तो हम सबको विदित है, पता है कि सात में छह बालक जब जन्म लेते हैं उसको कंस मार देते हैं, सातवा गर्भ का कोई एक और घटना घटती है रोहिणी के गर्भ से, और आठवा जो है वो जो कृष्ण नाम का जो बालक का जन्म होता है, वो वसुदेव अपने टोपले में लेकर जैसे ही, क्योंकि तभी भी बोला था कि मैं कैसे ले जाऊँ, क्योंकि कंस ने पूरा द्वारपाल को रखकर, द्वार भी बंद है और द्वारपाल भी बाहर खड़े हैं, ये बंधन कैसे छूटेंगे, टूटेंगे और खुलेंगे, तो मैं बाहर निकल सकूँ। तब जाके विष्णु भगवान के स्वरूप ने बताया था कि ये सब खुल जाएंगे। और प्राणनाथ जी के वाणी में भी बताया कि वसुदेव गोकुल ले चले, ध्यान से, वसुदेव गोकुल ले चले, ताको ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। जैसे ही वसुदेव टोपले में लेकर बाहर निकले, जेल से, कैद से बाहर निकले, तब जो ताले लगे हुए थे, जो बंधन थे, वो खुल गए और बाहर निकल के वो जमुना जी पार करके गोकुल में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे, गोकुल में पहुंच गए। किसके घर, नंद जी के घर पहुंच गए। और प्रगटवाणी में चौपाई बताई कि मूल सूरत अक्षर की जे है, जिन चाहिया देखो प्रेम स्नेह, मूल सूरत अक्षर की जे है, जिन चाहिया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवे स नंद घर कियो प्रवेश। कहाँ प्रवेश किया, अक्षर की आत्म और राज्य के जोश और आवेश ने नंद जी के घर प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया और अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश भी, जो बालक का जन्म हुआ था उसी के अंदर प्रवेश कर दिया, और गौलों की शक्ति भी, अभी मैंने जो चौपाई बोली ने, वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहिए अवतार, प्राणनाथ जी ने वाणी में ये क्यों बताया, क्योंकि ये भेद बताया कि जो एक कलश ग्रंथ में एक प्रकरण है ना अवतारों का, उसमें भी बताया है कि सुखदेव जो अवतारों का, सुखदेव ने अवतारों का वर्णन किया, सुके अवतार सब कहे लेकिन बुद्ध में रहिया उर्जाए, लेकिन यहाँ ये बात नहीं, सुखदेव मुनिये भागवत में, भागवत के दसवें स्कंद में वर्णन तो किया, कृष्ण का जो 22वां अवतार है उसका वर्णन तो किया, लेकिन उसका भेद नहीं खोल पाए वो कि त्रिधा लीला किसको कहते हैं, 11 साल और 52 दिन की लीला, 11 दिन की लीला और 112 साल की लीला का जो भेद है, वो 22वां अवतार कृष्ण का जो भेद है, गौलोक की शक्ति की क्या लीला है, अक्षरातीत की क्या लीला है, और अंतिम द्वारिका वैकुंठ वाले विष्णु की क्या लीला है, ये भेद सुखदेव मुनि बता नहीं पाए। यहाँ से प्राणनाथ जी की वाणी ने स्पष्टीकरण किया, धाम धनी की तारतम वाणी ने, कि वसुदेव जैसे ही टोपले में लेकर चले तो गौलों की शक्ति भी अंदर
आ गई थी, प्रवेश हो गई थी बालक के अंदर, और विष्णु भगवान का जीव ने तो जन्म ले लिया था। और दो शक्ति और अंदर शामिल हुई, कौन कौन सी? श्री राज जी के जोश आवेश और अक्षर की आत्मा। ये बालक के अंदर चारों शक्तियां समाविष्ट हो गई अंदर। उसके बाद जो 12,000 ब्रह्मात्माए, हमको भी खेल देखना था ने, तो वो भी गोकुल के अंदर जो व्रजवधु सखियाओ है उसके अंदर उसका भी उतरना, आत्माओं की भी अवतरण हुआ, उसका भी पदार्पण हुआ। और जैसे ही सब सखिया आत्मस्वरूप से ब्रजवधुओं के अंदर पदार्पण हुआ, तभी अपने अपने घर में अंदर से एक संदेश, एक इल्हाम हुआ कि हमारे धनी, हमारे पीयू प्राणनाथ गोकुल में आ चुके हैं। तो सीधी ही बधाई लेकर हाथ में अबीर, गुलाल, चंदन, पुष्प और चावल को लेकर ऐसे ही घर से निकली। श्रीराज जी ने आज बधाई ब्रज घेर घेर प्रगटियासी नंद कुमार उस प्रकरण में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कैसे निकली, कि अपने दरवाजे को जी चौखट होती है उसको दूध दही से धोया, इतना नहीं अबीर गुलाल और चावल और फूल को उछालती उछालती अपने पैर को भी, अपने कदम जो रखती जा रही है वो भी जमीन पर स्पर्श भी नहीं होने दे रही है, ऐसी रास्ते में उड़ाती उड़ाती उछालती कूदती कहाँ गई? नंद जी के घर पहुंची सब ब्रह्मात्माए। और वहां जाके ऐसे आनंद उत्सव मनाया, और आनंद उत्सव मनाने के बाद सुंदर साथ जी, नंद जी और जसोदा जी ने आज उसके घर किसका प्रगटन हुआ है? नंद घेर आनंद का प्रगटन हुआ है, प्रेम का प्रगटन हुआ है। और उसके अंदर तो कोई खुशी की सीमा नहीं है, आनंद की कोई सीमा नहीं है। बाल गोपाल सखिया सब हर्षो उल्लास के साथ आनंद मंगल हंस विलास की लीला में इतनी मस्त हो चुकी है। और नंद जी अपने भंडार से गुणीजन को, भाट को, चारण को, ऐसे अखुट वस्त्रों के, धन संपत्ति के भंडार लुटा रहे। क्यों? कि अपने घर किसका प्रगटन हुआ है? नंद घेर आनंद, आनंद का, प्रेम का, अक्षरातीत की आवेश शक्ति का प्रगटन हुआ है। तो ऐसी लीला वहाँ प्रारंभ हो गई, सखिया ने बधाई मनाई और वहाँ से लीला यहाँ थी और आगे ऐसी प्रेम की, प्रेम से भरी हुई परिपूर्ण माधुर्यता से भरी हुई परिपूर्ण लीलाएं प्रारंभ हुई। सखिया का तो दिन जाते हैं तो रात्रि नहीं जाती, घर में रात्रि पूर्ण होती है तो पूरा दिन इवाला जी के आ गई। चलो राज्य की मेहर, मैंने सोचा एक आज लेट भी है और फिर सखिया का तो अंदर कोई आनंद ही समाता नहीं है। और हम सबको विदित है भागवत के माध्यम से, क्योंकि भागवत में व्रजलीला का बहुत विस्तार से वर्णन हो गया, मैंने कल भी बताया था। और रास का वर्णन पंच अध्याय में हुआ, बाकी का जो रास जहाँ अटक गई कहने का, सुखदेव मुनि के जोश की अंदर जो जोश की शक्ति कह रही थी, ये वर्णन हमारे तारतम वाणी के प्रथम रास ग्रंथ में हुआ। तो भागवत के माध्यम से आपको सबको विदित है कि पहले शिव जी दर्शन करने के लिए आते हैं, पुतना भी आती है, वैसे जो मामा है ना कंस, उसको डर क्या था कि आठवें बालक के, बालक से मेरा क्या है उद्धार, तो कंस को डर था। तो वैसे वो वहाँ से खिलौने भेजते हैं ना भांजे के लिए छोटे छोटे,
तो उतना भी आती है, शिव जी भी दर्शन करने के लिए आते हैं। शिव जी भी क्यों दर्शन करने के लिए आते हैं? पहले भी ऐसे कई ब्रह्मांड बने, कई अवतार भी कृष्ण के आए होंगे, लेकिन इस बार अक्षरातीत का आवेश, परब्रह्म का आवेश आया, इसलिए शिव जी दर्शन करने के लिए आए। और इसके बाद तृणाव्रत, सप्तासुर, अगासुर, बकासुर और इंद्र का मर्दन, इंद्र का जो गर्व है उसका भी मर्दन करते हैं और ब्रह्मा जी के भी गर्व मर्दन करते हैं। बीच में ऐसी अनेक सी लीलाएं चलती है गोकुल में। रोज ही सखिया दूध को जमा के दही का मंथन करती है और उसमें से मक्खन निकालती है। और पहले तो जब श्री राज गोकुल आए, बाद में व्रजवधु मथुरा ना गई। श्री राज गोकुल आए पीछे, श्री राज हमारे धाम के धनी प्रियतम गोकुल में जब आए, प्रगटन हुआ, उसके बाद पहले कर के रूप में, टैक्स के रूप में मथुरा दूध दही बेचने के लिए जाती थी, लेकिन श्री राज गोकुल में आए ने, बाद में वाला जी ने सखिया का बताया ने, दुख न देऊ फूल पांखड़ी देखू शीतल नैन, सुखपाल में बेसाड़ी पहुंचाऊ वतन। मतलब सुखे बेसी सुखपाल में पहुंचाऊ वतन। तो राज जी सखियों को मथुरा तक थोड़ी चलने देते, एक फूल की पंखुड़ी जितना भी राज जी दुख नहीं देते। दुख तो हमको तोज था जो माया की जी अति भारी जी, रास में बताया ने कि हमको दुख क्यों लगता है, क्योंकि हम पूरा दिन ही माया को पकड़ते रहते हैं, इसलिए दुख लगता है, बाकी राज जी दुख नहीं देते हैं। तो यहाँ बताया कि बाद में पहले दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाती थी, फिर राज जी ने ये भी बंद करवा दिया कि कंस को कोई कर के टैक्स के रूप में आपको देने की जरूरत नहीं है। तो सखिया सुबह को उठ के कैसी प्रेम भरी, माधुर्यता से भरी लीला शुरू हुई कि सखिया सुबह को आंगन में ऐसे गोबर और मिट्टी को मिलाकर जैसे आंगन को इतना सुंदर बनाती थी। क्यों? सखियों का सब कुछ, ये लीला में थोड़ी 5-10 मिनट की इसलिए बता रही हूँ सुंदर साथ जी, इससे जागनी ब्रह्मांड में हमारे धनी आज पूर्ण पहचान लेके आए और हम आज 400 साल से यही वाणी पढ़ते आ रहे हैं, यही चितवनी, यही परिक्रमा, यही पूजा पाठ, लेकिन हमारे अंदर क्या दिल में राज जी को मिलने की कोई तड़फ है क्या? जितनी रिश्तेदारों के प्रति हमारी माया से हम जो बंधे हैं, संबंधों से बंधे हैं, क्या इतना भी लगाव, इतनी भी अंदर से कोई अंदर की प्यास राज जी को मिलने की है क्या? राज जी तो हमसे एक पल दूर नहीं है। देखो व्रज की लीला से इतना ही सिखापन, इतनी ही लेनी है कि तभी सखिया ने कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई माला हाथ में नहीं घुमाई, कोई नवधा प्रकार की कुछ, मतलब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रेम, बस प्रेम में वाला जी को मिलना। एक क्षण भी वाला जी से अलग सखिया नहीं है, क्योंकि चौपाई में बताया व्रज तना साथ सांभलो रे कछु लागीने पाय रे जेरे मनोरथ की धा आपणे पूरण इणी पेरे थाय रे व्रज मा आपण वातडी रे सगड़ी माहेशने हरे। अंतिम चरण सुनना, ये रास ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण की चौपाई है, प्रेम सेवा वाली। काम करंता अति घणापण खि
बोलियो नेहारे। क्या बताया कितने ब्रज में काम थे, अभी तो काम ही क्या इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी में। राजी क्या सीख दे रहे इस प्रकरणों के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, कि सुंदर साह जी तुम कितना डर से, कितना अंदर इतनी चिंता टेंशन में मेरे को मतलब बुला रहे हो, क्या मैं इतना भी दूर नहीं, हक नजीक सेहरग से आडो पटन द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे पड़थार, मैं दूर हूं तो आऊ ने, मैं तो आपकी प्राण नली से भी निकट बैठा हूं। तो देखो ये जागृत ब्रह्मांड की लीला में इतनी निकटता, और हमारे धाम दिल में विराजमान हम राज जी को चितवनी के माध्यम से देख सकते हैं। या व्रज में इतना गहन प्रेम बताया, कितना गहरा प्रेम बताया, कितना गंभीर प्रेम बताया, मतलब कि सखिया वहां एक क्षण वाला जी से, तो यहाँ सुबह को अपना पूरा घर इतना साफ सुथरा कर देती थी, और रोज मक्खन बना के अपने बालाजी के लिए रखती थी। ये जाहरी मक्खन तो रखती थी, लेकिन अपना दिल भी ऐसा मक्खन जैसा कोमल रखती थी कि मेरे धाम धनी एक बार जाहिर में तो मक्खन खा के चले जाए, लेकिन बातुनी में मेरे धाम दिल में, कोमल दिल में हो, विराजमान हो जाए। पूरा दिन हो वनों में वृंदावन की ओर गाय बछड़े चराने के लिए चले जाए तो भी मेरे धाम दिल में बैठे हुए मेरे प्रीतम से मैं एक क्षण न अलग हो। क्योंकि रास में बताया कि वाछल राले जब वन पधारे तब खीण वर्षा सो थाए, एक क्षण और रोवंता दिन जाए, एक क्षण भी बालाजी से हम अलग होते थे ने, तो हमारे लिए युगों के समान बीतीत होती थी एक क्षण भी, और फिर जुदागी के बाद मिलन की तो घड़ी कैसी होती है आप सब महसूस कर लो। जुदागी के बाद मिलन की घड़ी कितनी मधुर होती है। तो सुंदर साथ जी आगे लीला में बताया कि अष्टपहर दिन 64 घड़ी, हम बोलते तो है अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पीयू 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 कहिए, ए वाला निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल अमे रहिए, सदा आनंद मंगल अमे रहिए। हम बोलते हैं लेकिन अंदर से दुखी है, हम बोलते हैं कि सदा आनंद मंगल, एक क्षण भी कोई ऐसे समाचार मिल जाए ने, कोई ऐसी बात आ जाए ने, तो पूरा दिन हम दुखी रहते हैं। सुखी तो हम पूरे दिन प्रेम की लीला में तो हम कहाँ रहते थे, ब्रज में, और वहां सुंदर साह जी अष्टपहर दिन 64 घड़ी 24 घंटे पूरा दिन चित में बस वाला जी के ही विचार, वाला जी की ही बातें, और कोई बात ही चित्तमा नथी उच्चार। रास ग्रंथ का पूरा वर्णन ले लो ने, बीजो चित्तमा नथी उच्चार, अंदर कोई बस जहां मिले गोपिया सखिया जहां भी मिले गोकुल में बस वाला जी की ही बातें। और इतना ही नहीं, आगे और बहुत लीला है कलश ग्रंथ में, मैं गोकुल लीला के प्रकरण की लीला बता रही हूँ, भागवत के आधार पर की लीला नहीं है, गोकुल लीला में प्राणनाथ जी ने जो बताया है। इतना ही नहीं, आगे बताया कि जब कई कई बार कोई वानगी मिठाई व्यंजन बना के हम वाला जी के साथ वनों में भी कई बार हम जाती थी कोई बहाना बना के, और जब शाम के समय 5 बजे जब वनों से वापस लौटती थी उसी टाइम वालो जी जब हमसे अलग होते थे ने, ध्यान से आप महसूस करना इस लीला को, जब अलग होते थे ने तो घर में जाके हमको कोई भी चीज में चैनी नहीं पड़ता था, कोई चीज में हमको सूझ नहीं पड़ती थी, मतलब शुद्धि नहीं रहती थी, कोई हम घर में भी कोई भोजन बनाते थे तो नमक के बदले चीनी डाल देते थे, चीनी के बदले नमक डाल देते थे, मतलब इतनी विस्मृत हो चुकी थी वाला जी के प्रेम में, इतनी दीवानी बन चुकी थी, इतनी पागल बन चुकी थी कि ये प्रेम अब हमारा कहाँ गया। जागनी ब्रह्मांड में बहुत सी लीलाएं, मेरे को लग रहा है कि मैं पूरे रास ग्रंथ की लीला का वर्णन कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, समय की एक मर्यादा है। और आगे और इतना ही नहीं, सुंदर साथ जी रोज ही
वाहलो जी आवे इससे पहले हम जो सिंगार सजती थी, हमारा खाना पीना बैठना उठना सिंगार सजना सब कुछ सोना सब कुछ वाला जी के लिए ही था। कोई भी काम वाला के बिना, मतलब सबके मूल में वाला जी थे, प्रियतम प्राण नाथ थे हमारा, जो उसके साथ एक अलौकिक दिव्य जो प्रेम था। परमधाम का देखो, ये तो व्रज लीला का वर्णन है, परमधाम का करोड़वां भाग का अंश स्वरूप ये प्रेम है, तो भी इतना गहरा प्रेम वाला जी के प्रति हमारा था। और वहां लेकिन ये प्रेम कब आए, जब हमारी खुद की विस्मृति आत्म विस्मृति हो जाए और हम सर्वस्व हमारा न्योछावर कर दे हम वाला जी के ऊपर, हम सर्वस्व हमारा समर्पण कर दे, तभी वो वाला प्रेम हमारे अंदर आएगा। और सुंदर सा जी आगे और भी बहुत सी लीलाएं गोकुल में हुई, इतना ही नहीं और वाला जी ने गोकुल लीला में आगे बताया कि जब गोकुल गांव में छोटे बड़े कोई कार्यक्रम होते थे, गोकुल लीला के प्रकरण में बताया कि सखिया वाद्य यंत्र वाजिंत्र ऐसे ढोल बजाते बजाते हम सब सखिया कृष्ण के साथ जब रास्ते में या कोई चौराहे पर ये गलियों में जब हम घूमते थे, अनेक विध से हम लीलाएं करते थे, ये तभी उस टाइम वाला जी को हम ऐसे ही गले मिलते थे। ये लीला को किसी ने नहीं जाना, एक वाला जी की अंदर बैठे हुए स्वरूप, मतलब कृष्ण के तन में जो अक्षरातीत का आवेश बैठा था, वही स्वरूप ने इस लीला को जाना, एक हमारी आत्मा ने जाना, स्वयं ने हमने जाना। और किसी को, संसार की और भी लोग गोकुल में थे, किसी को पता नहीं लगा कि अंदर का प्रेम क्या है। देखो इतनी पागल बनी है ये सखिया कृष्ण के पीछे, तो अंदर का क्या प्रेम है उसके अंदर का, दोनों के प्रति, दोनों का एक दूसरे के प्रति, तो ये किसी को पता नहीं लगता था। और बालाजी ने भी क्या व्यवस्था कर रखी थी गोकुल में कि छोटा सा कार्यक्रम हो, कोई जन्म हो, बधाई हो, क्या कोई विवाह का शादी प्रसंग का प्रसंग हो, तो वाला जी ने पूरे गांव में ऐसे एक मैसेज मतलब सबको भेज दिया था कि छोटे से कार्यक्रम में पूरा गांव पूरा ग्राम एक साथ भोजन करे, एक साथ खाना खाए। तो देखो क्यों, वाला जी इतना चतुर और इतने नटखट, और ऐसे ही वाला जी हमारे, तो वाला जी के अंदर की तो मैं क्या कहूँ सुंदर साहब जी। उसको यही था कि जो गोपियाँ घर कामों में ही प्रवृत्त रहेगी, वहाँ से निवृत्ति नहीं होगी, तो मेरे पास कैसे आएगी, मैं कैसे उसको मिलूँगा। तो इसी बहाने वो पूरे ग्राम को एक साथ भोजन खिलाने का वहाँ आदेश कर देते थे। तो ऐसी बहुत सी लीला सुंदर साहब जी वहाँ चलती रहती थी। और प्राणनाथ जी ने किरंतन ग्रंथ में बताया, गेहे लो वालो गेली बात करे एने कोई थामे वारो मार वाला दूरी जन देखता अमाने को बताते हुए राज जी क्या कह रहे हैं, लालदास जी महाराज के धाम दिल में विराजमान होकर कि वाला ने मतलब प्रियतम जी प्रियतम ने पूरे गोकुल को इतना दीवाना बना दिया था, इतना पागल बना दिया था, इतनी आनंद विलास की लीला कर रहे थे कि दुरीजन मतलब संसार के और जीवों के सामने भी वालो जी जरा भी मर्यादा या शर्म नहीं रखते थे। और हम कहीं कुंजवन की गोकुल
तीन कोने का ग्राम था, कितने गोकुल तीन कोने का ग्राम था, तीन कोने में गांगो चापो जेतो तीनों मामों का घर था। और इतना नहीं, तीनों में दिशाओं में, क्योंकि चौथी दिशा नहीं थी, सादुल पटेल, वृषवान जी और नंद जी के घर थे। ऐसी गोकुल 42 सोसाइटी, यहाँ के हिसाब से कहो तो वहाँ के पूरे 42 पूरे में पूरा ही ये बना हुआ था। और 42 सोसाइटी में देखो 24,000 कुमारिकाएं, 12,000 ब्रह्मात्माएं। और रोज ही सुंदर साथ जी बालाजी के साथ जब हम लीला करते थे, और जब कुंजवन की गलियों में कई बार 12 वन की बात कही गई है भागवत के आधार पर, तो कई वनों में हम लीला करते थे, तो सखिया जब दूध दधी मक्खन लेके आती थी तो बालाजी क्या करते थे, उसके पास लेके, सखियों के पास से लेके ये गोप बालकों को दे देते थे, और गोप बालक बालक दूध दधी को लेके, दही को लेके दूर वनों में चले जाते थे। और बालाजी हमारे साथ ऐसी कई प्रेममयी, ऐसी कई आनंदमयी लीलाएं करते थे, वो भी हम जानती थी और बालाजी जानते थे, और दूसरे कोई जानते नहीं थे। गोकुल में ऐसी प्रेम से भरी हुई माधुर्यपूर्ण लीलाएं हुई। उसी टाइम 24,000 कुमारी का भी हमारे संग खेलती थी, उसने ये लीला को देखा, तभी उसने बोला कि भाई हमारे साथ ये लीला कब होगी। तब अंदर बैठे हुए राज्य की आवेश शक्ति ने बोला कि समय पर आपके साथ भी लीला होगी। ऐसी लीला करते करते सुंदर शाह जी 11 साल पूर्ण हुए, किसका, जो कृष्ण नाम का तन था, शरीर की उम्र होती है, राज्य की शक्ति की मतलब आवेश शक्ति की उम्र नहीं होती। तो कृष्ण जिस, जो गर्गाचार्य ने जिस तन का नाम रखा था कृष्ण, तो कृष्ण की उम्र 11 साल हुई। 11 साल के जब उम्र पूरी हुई, तो उसी दिन जन्मदिन था, तो बोले कि सखिया चलो आज हम वृंदावन रास खेलने के लिए जाए। तब सखिया ने बोला कि अरे कृष्ण जी तुम तो बड़े हो गए, हम भी तभी छोटी थी, पहले गोकुल में खेलती थी, आज तुम भी बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए, हमारे तो पति बाल बच्चे परिवार सास ससुर ननंद इस सब के परिवार में रहते रहते और सबके डर है, कैसे हम आपके साथ आ सकते, ये भी रात्रि को। तब हमने मना कर दिया, क्योंकि हमने परम धाम में क्या कहा था, मैंने अभी इस क्रबत बहुत विस्तार से लिया कि राजी हम नहीं भूलेंगे, हम इतनी थोड़ी नादान है, मैं एक बात जो रख दी थी वो यहाँ जोड़ रही हूँ, इसलिए कि इसलिए रखी थी कि तभी हमने ऐसा नहीं बोला था कि हम एक बार भी नहीं बोलेंगे, तभी हमने क्या बोला था, राजी एक बार नहीं सो बेर देखो अजमाई के, तो भी कभी न भूले हम, जैसा साहेब कहे थे ऐसी कबू हमसे ना होई, सो बेर देखो अजमाई के, ऐसी मोमिन करे न कोई, ऐसी हम थोड़ी है नादान है कि हम एक बार नहीं सो बेर देखो अजमाई के, लेकिन यहाँ कितनी बार अजमाया, अभी पहली बार अजमाया ने हमारे पर, तभी हमने क्या बोल दिया, हमारे तो देखो फंस गई ना पूरी तरह संसार में, ये जो अनादिकाल से हमारे प्रियतम है आत्म के मालिक धाम धनी, तो उसको हम भूल गए और सांसारिक पति को ही अपने सब कुछ मान लिया, सर्वे सर्वा उसको मान लिया, और राजी भी कोई कम नहीं है, वो भी आगे जाके उलाहने के वचन अभी बोलेंगे, ठीक है, राजी भी कोई कम नहीं है। तो हमने ये तभी बोला, तो तभी कृष्ण जी के रूप में राजी भी अंदर हंस रहे सुंदर शाह जी के, देखो सखिया तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, बड़ी बड़ी बात मूल मिलावे में, ठीक है अभी तो भरामोसी का पूरा नींद का ब्रह्मांड है, ठीक है ये नींद का जो सुपन काल मारा धराया तीन, लेकिन
यहाँ बात ये हो रही है सुंदर साथ जी कि हमने क्या बोला कि राज जी हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा इतना बड़ा परिवार सब छोड़ के कैसे आए। तब 52 दिन का हमारा राज जी के साथ बोलना नहीं रहा और 52 के दिन जब पूर्ण हुए उसी संध्या समय उसी दिन गौ बछड़ा चराने के लिए गोप बालकों के साथ धामधनी जब वृंदावन में गए वहाँ से सबको संध्या के समय वापस लौटा दिया और वहाँ संध्या के समय जो बांसुरी बजाई, बांसुरी तो वहाँ नहीं बजाई है मैं अभी बताऊँगी, लेकिन संध्या का समय यहाँ था ये कालमाया ब्रज के ब्रह्मांड में। हम तो कहाँ जाएंगे, योगमाया केवल योगमाया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में। तो सुंदर साथ जी यहाँ जब बांसुरी वाला जी ने बजाई और सबको वापस कर दिया ग्राम की ओर गोकुल की ओर और बांसुरी में एक एक सखियाओं का नाम लेके ले लेके वाला जी ने बुलाया और प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया कि यही स्वरूप ने यही वृंदावन यही जमुना तट सार घटी तीत ब्रह्मांड से अलगा तात में किया निर्धार। ये जो ठिकाना है योग माया ब्रह्मांड का केवल ब्रह्म का ये घर से परमधाम से भी अलग मतलब बीच में और ये माया भी ये जो काल माया का ब्रह्मांड है उससे ऊपर ये बीच में जो योग माया का ब्रह्मांड केवल ब्रह्म में जो ये नूरी दिव्य ब्रह्मांड की तैयारी की गई। तो उसी टाइम पे सखिया इतना ग्राम में शोर था कोई गौ बछड़ा चरा कर वापस लौट रहे थे कोई बैलगाड़ी लेकर इतना आवाज और शोर था। जब बांसुरी बजाई बालाजी ने केवल ब्रह्म में जाके तो आवाज सुनाई तो सबको दी लेकिन किसने अंदर लिया मतलब बांसुरी शेष गणेश महेश सबने सुनी लेकिन वहां दौड़ी कौन जिसकी थी वो दौड़ी कौन दौड़ी हम सब सखिया। और तीन प्रकार की सखिया थी स्वातस्या राजस्या और तामसिया। तीन प्रकार की सखियों क्यों तीन प्रकार के भेद बताए क्योंकि हमारे अंदर बैठे हुए जीव के जो भेद है आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं होता जीव के अंदर भेद जीव के गुणों के हिसाब से तीनों प्रकार की जो सखियाँ थी। और ये स्थूल ब्रह्मांड के अंदर ये भेद बताने के बाद राजी कहाँ ले जा रहे योग माया ब्रह्मांड में एक एक सखियों का नाम लिया। उसी समय जब सखियाओं ने जब सुना तो पहले कौन दौड़ी तामसिया कौन दौड़ी ये बेन सुन के चली कुमार बहुसागरियो उत्तरी पार। तो बेन सुन के जैसे ही पहले तामसिया दौड़ी और राजसिया ने क्या किया उल्टे सुलटे सिंगार की करने में थोड़ी देर कर दी और जो स्वातस्या सखिया है ये उसने तो जब पता लगा तो तब तो घर के जो परिवार के लोग है उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया अपने घर अपना तन उसने घर में ही छोड़ दिया। राजी ने वाणी में बताया कि धिक धिक पड़ो तीन अकले नहीं धिक धिक पड़ो तीन एक मिनट अभी याद आ जाएगी अभी मैं बोल दूंगी। हाँ दिक दिक पड़ो इन संसार को का न उठे रे अगिन वीर तामस भेगा थया त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। दिक दिक पड़ो ये संसार ने का न उठे रे अगिन वीर तामस भेगा थया तब अंगड़ा थया रे पतन। तामस या तो चली गई राजसिया ने जो आंख का अंजन था वो दूसरे जगह सिंगार कर लिया जो दूसरे जगह करना था वो उल्टा कर लिया ऐसे सिंगार करके वो भी पहुंच गई लेकिन वो पीछे रह गई तो उसका तन घर में छूट गया। उसने वीरह और तामस उग्रता भी आई और वीरह भी पराकाष्ठा पर पहुंचा क्योंकि
52 दिन की जुदागी थी और रह नहीं पा रही थी, लेकिन घर परिवार को पहचान नहीं थी। उसने दरवाजे बंद कर दिए और जैसे ही वो योग माया ब्रह्मांड में पहुंचने के लिए बांसुरी बजाई, तब शरद निसारे पुनम तणी आवियो ते आसो मास, सर्कल कलानो चंद्रमा जेनी रजनीय की दो रास। क्या बताया कि शरद पूनम की रात्रि थी, यही प्रमाण भागवत में भी बताया है। भगवान दपि रात्रि शरद फूल मल्लिका विक्षयंतु मनश्चक्रे योग माया उपासरित। तो शरद पूनम की रात्रि और पूर्ण चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ आसमान से लेकर जमीन तक पूरी सामग्री पर जमुना जी, तट के वृक्ष, पेड़ आदि, किनारा की जो बालू, सबको इतना मतलब इतना प्रकाशमान कर रहे थे। ऐसी रात्रि में रंग बिरंगी फूल खिले, ऐसे योग माया ब्रह्मांड की दिव्य भूमिका में हमने प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया कि जिस स्थिति में, ध्यान से, जिस स्थिति में हम गोकुल में थी, तो राज जी ने एणे पगले आपन चालिए पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी। इस प्रकरण में बताया कि कोई गाय दोहती थी, उसी क्षण घोड़िया नीचे गिर गया। वो वल्लभ की वेण सुन के तत्काल सीधी निकल पड़ी। कोई पति को लोटो से नाम के जल से नहरा रही थी, वो इसी क्षण लोटा नीचे गिर गया, वो निकल पड़ी। कोई सखी ससुर सास को खिला रही थी भोजन, तो उसी क्षण यही स्थिति में निकल पड़ी। कोई सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, उसी क्षण वेण थी वल्लभनी, वो निकल पड़ी। सुंदर साची ये लीला इसलिए वर्णन हो रही है, उस लीला से आप इतने ही शिक्षापन लो के देखो किस स्थिति में हमने एक बांस की बांसुरी बजी तो भी हम यही स्थिति में निकल गए। आज 400 साल से ये ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है, ये तारतम वाणी रूपी बांसुरी बज रही है। हमारे अंदर कितनी तड़फ है राज जी को मिलने की। परिवार रिश्ते तो थोड़े दिन नहीं मिलते, तो फोन से भी हम एक एक घंटे, आधे आधे घंटे लग के बात कर लेते, लेकिन राज जी को प्रत्यक्ष करने की अंदर से हमारे अंदर क्या ललक, क्या विरह जगा नहीं। ऐसे ही हम योग माया ब्रह्मांड में पहुंची, तो रास किसको कहते हैं? तैतृय उपनिषद में बताया कि रसो वैसह, जो परब्रह्म रस रूप है, आनंद स्वरूप है, और वो परब्रह्म के दिल में प्रेम, आनंद, क्रांति, सौंदर्य के अनेक सागर जो उमड़ रहे, और सागर अपनी लहरों के साथ जब कीड़ा करता है उसको कहते, लहर कौन है? हम सब सखिया, उसको कहते हैं रास। और ऋग्वेद का भी एक कथन है कि यदग्ने श्याम अहम, त्वं वादा श्याम अहम, त्वं वादा श्याम अहम। हे परब्रह्म, जो तू है वो मैं हो जाओ, और जो मैं हूँ वो तू हो जा। दोनों एक रूप, एक रस। आत्म अपना अस्तित्व भूल जाती है, बस सिर्फ राज्य दिखते हैं। राज्य अपने मतलब उसकी ब्रह्मात्मा के स्वरूप में एक रस हो जाते हैं, उसको कहते हैं रास। और रास का बताया कि योग माया ब्रह्मांड में जब रास खेली गई तो अखंड केवल ब्रह्म में, अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ जो लीला करता, वही योग माया ब्रह्मांड में हम सब ब्रह्मात्माएं श्यामा जी सहित एक दिव्य नूरी रास अभी खेलने जा रहे। इससे पहले हम जब ये सब 24,000 कुमारिकाओं का, 12,000 ब्रह्मात्माओं के तन गोकुल में छुट गए और योग माया ब्रह्मांड में हम पहुंची, तो वहां जब किनारे पर हम खड़ी रही तो राज जी ने क्या बोला, उलाहने के वचन, क्या कि अरे, जो भागवत में उसी को इसी माध्यम से बताया है कि स्वागतम महाभागा, स्वागत है सखिया, महाभाग्यवान सखिया, आपका वृंदावन में स्वागत है, वेलकम, आप आइए।
लेकिन फिर आगे जो हमने बोला था ना 11 साल पूर्ण हुए, ये वापस कर रहे वचन उलाहने के, कि रात्रि ना रात्रि को इस समय आपको क्यों आना हुआ, क्या कारण है? क्या ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? जाओ, आपका पति राह दिखता होगा, आपके बाल बच्चे भी आपके इंतजार करते होंगे, जाइए आप घर में। देखो रात्रि के समय कितने नीचा सर ऐसे ही प्राणी बोलते, भयंकर प्राणी का आवाज आ रही है, आप यहाँ से जाइए। देखो जो पतिव्रता स्त्री होती ने वो रात्रि को कभी भी गृह त्याग नहीं करती, कभी भी पतिव्रता स्त्री रात्रि को गृह त्याग नहीं करती, उसको ही पतिव्रता स्त्री कहते हैं। अपने पति को छोड़कर आई हो आप, जाइए अपने घर पे, सब आपकी राह दिख रहे हैं। तो बहुत कुछ वचन राज जी ने बोले, और इतना ही नहीं आगे और बोला कि जो पति कोढ़ी हो, अंधे हो, अपाहिज हो, अपंग हो, जो भी हो, तो भी शराबी हो, कबाब जो भी हो, तो भी अपने पति को छोड़कर पतिव्रता स्त्री रात्रि को कभी निकलती नहीं और परपुरुष के पास कभी भी पतिव्रता स्त्री आती नहीं, तो आप जाइए। बहुत कुछ सुना हमने राज जी का। फिर सखिया में इंद्रावती ने, और सब सखिया तो वैसे रुदन कर रही है, बिलक रही है, और इंद्रावती ने सबको खड़ा किया और बोला के अरे भाई पीयू जी पधारे प्रभात में, आपन आव्या छू अतियारे, रास में बताया कि ऐसे जूठा रुदन बिलखना ये आपके लिए ठीक नहीं है, बंद हो जाइए, क्योंकि पीयू जी तो सुबह से निकल गए गोकुल से बछड़ा गौ को गायों को लेकर, और हम तो अभी आई, और फिर ऊपर जाके यही रुदन और यही बिलखना ये ठीक नहीं है। और आगे बताया कि राज जी आपने बहुत कुछ बोला, अब अभी हमारा सुनिए। आपने बोला ना कि पति और वेद शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार भी बताया कि यह ऐसा पति हो रात्रि को कुलवती नार नहीं छोड़ती, तो आपने सब कुछ बताया, ठीक है। तो आपने जो बताया उसी के अनुसार आप में तो एक भी अवगुण नहीं है, बोलिए श्री प्राणनाथ। तो हमने आपको पहचान लिया है, आप तो सर्वगुण संपन्न सकल गुण निधान, आप हमारे सर्वशक्तिमान हमारे प्रियतम प्राणनाथ हो, हमने पहचान लिया है। आपको छोड़ के हम कहाँ जाए जाए, तो क्योंकि हमारा तन छूट गया, हमारा ये ब्रह्मांड छूट गया, आगे तो अंधेर दिख रहा है, कैसे जाए जाए। तो सब कुछ आप ही हमारे हो, क्या हम जागनी ब्रह्मांड में कह सकते सब कुछ ये परिवार बेटे हमारे नहीं है, सब कुछ आप ही हो राज जी? ऐसा कभी भी राज जी के सामने मत्था टेकते तभी कभी भी बोला हमने? नहीं बोला। देखो रास अर्ध जागृत का और ब्रज पूरी नींद का, ये आधा नींद और आधा जागृति का, ठीक है। तो भी क्या बोला कि तुम सर्वगुण संपन्न हमारे धनी हो, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो राज जी ने बोला कि सखिया मैं बस आपकी परीक्षा ले रहा था कि घर से लेकर तो कुछ यहाँ अभी तक में आई तो हो, इतनी दूर से कुछ लेके तो नहीं आई हो ना अंदर दिमाग में, तो ये चर्चा अंदर जाएगी नहीं? राज जी ने क्या बोला कि घर से आई तो हो इतना काम आज सब छोड़ के, लेकिन दिमाग में और कुछ बातें तो संसार परिवार की चिंता लेके तो नहीं आई हो ने? तो यहाँ सखियों को भी बोला कि घर से कुछ साथ में तो लेके नहीं आई हो ने? तो अंदर मैं कैसे, मतलब अंदर थोड़ी कुछ भी अहम की अस्मिता की जितनी ग्रंथि पाली जाती ने तो रास में भी प्रवेश नहीं होता, तो सुंदर सा जी परमधाम में मूल मिला में कैसे प्रवेश होता? फिर राज जी ने बोला सखिया चलो मैं आपको वृंदावन दिखाऊं। वृंदावन पूरा एक एक दसवें नंबर के प्रकरण में पूरा वृंदावन में क्या क्या पेड़ लगे हैं, हजारों लाखों सैकड़ों पेड़ों को दिखाया, एक एक गलियों में जाके इतने वृंदावन की रचना सुंदर है, वृंदावन सखी जोइए जी, रंग जोइए जी, ऐसे करके जो प्रकरण है उसमें पूरा वृंदावन का राज जी ने पूरा एक एक अंगुली निर्देशन कर करके दिखाया। और बाद में हमारी जो रामते शुरू हुई उसमें 11 नंबर के प्रकरण में
वाले वेश लीधो रड़ियामनो काई करसु रंग विलास सखी रे हम चढ़ी आयत छे काई अति घणी वालो पुरुषे अपनी आस सखी रे हम चढ़ी। ऐसे करते 32 नंबर के प्रकरण तक रास ग्रंथ के ध्यान से 32 नंबर के प्रकरण तक पूरी रामती खेली गई। चाहे कोनिया की रामत हो, चाहे आँख में चामनी की रामत हो, चाहे गुमलड़ा की रामत हो, चाहे आम की रामत हो, चाहे करताल की रामत हो, ऐसी बहुत सी रामत खेली गई। और 32वें नंबर के प्रकरण में जाके राज्य ने अंतर ध्यान लीला की और उसी चौपाई में बताया कि आनंदे रोता रमिए तेने कहिए ते लक्षण प्रेम उड़ी गया सर्वे नेम के सखिया आनंद तो है अंदर खुशी के जो खेल रही थी लेकिन फिर वालो जी अंतर ध्यान हुए तो बीच में से सखिया जो रोने बिलखने लगी और जंगल के एक एक कोने में एक एक जगह बेली को पेड़ को पूछने लगी कि तुमने हमारे श्याम को क्या देखा। फिर श्यामा जी के पास गई तो श्यामा जी भी रो बिलख रही है और श्यामा जी को पूछा। श्यामा जी बोली कि मेरे को भी इस पेड़ पे छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसे फिर बेली भी हंसी उड़ा रही है उसकी कि अरे देखो हम हमारे पति को पेड़ को कैसे लिपट कर लगी है ना हम, तो आपने अपने पति को ऐसे पकड़ा नहीं होगा इसलिए आपके पति आपसे अलग हो गए। तो वैसे सुंदर शाह जी खोजा वालो जी अंतर ध्यान हो गए कहीं नहीं गए थे। वाला जी ने रास ग्रंथ में बताया कि सिर्फ पेड़ आ गया, पेड़ कोई वो नहीं था। फिर हमारे अंदर एक अहम सूक्ष्म सा अहम खड़ा हुआ तो अंदर से राज्य का आवेश चला गया। अक्षर की आत्मा ने देखा कि कौन बन कौन सखिया कौन हम, उसको क्या भास था अंदर से कि मैं तो परम धाम में अक्षर धाम में ही खेल रहा हूं। लेकिन जब आंखें खुली वृंदावन के अंदर तभी पता चला कि नहीं ये दिव्य परम धाम की भूमिका नहीं है, ये तो केवल ब्रह्म की भूमिका में मैं खेल रहा हूं। तब कौन बन कौन सखिया, फिर सुंदर सा जी अक्षर के अंदर से जो राज्य का आवेश जोश कहीं नहीं चला गया था श्यामा जी के अंदर ही अंदर चला गया था। फिर सखिया ने जो रो बिलखा और फिर राज्य ने कब अंदर फिर आवेश प्रकट किया कि जब व्रज की लीला पसंद थी तो व्रज की एक अनुकरण लीला हुई और फिर राज्य का आवेश प्रकट हुआ और फिर एक सखी एक काना एक सखी एक काना ऐसी कई चरचरी रामत हुई। और रामत के बाद हम जमुना जी के तट पर गए किनारे पर गए और वहाँ अनिहारे जिलन रंग सुहामना अपन जिलसु वाला जी ने संग रामत रमी ने घेर आविया काय पूर्ण थयो रंग रास। और हमने एक साथ स्नान जिलन किया और बालाजी हमारे परसेवे वहाँ तो पसीना कोई है नहीं लेकिन अत्यंत प्रेम पराकाष्ठा का प्रेम रास में बालाजी ने बताया। उस पर वालो जी बैठे और जिलना करने के बाद चार सखी ने राज्य को श्रृंगार कराया, चार सखी ने श्यामा जी को श्रृंगार कराया। सुंदर बाई इंद्रावती का रत्नावती संग लाल बाई पहले निशरिया ये चार सखी ने श्यामा जी को श्रृंगार कराया और फुलबाई और चंपावती ये चार सखी ने राज्य को श्रृंगार कराया। अब उसमें आसबाई सुंदरबाई इंद्रावती और रत्नावती, इसमें चंपावती कमलावती फुलबाई ये चारों सखी ने मिल के राज्य को श्रृंगार कराया और सब फिर जमुना जी के किनार पर ही भोजन आरोगने के लिए बैठा। फर्तन फेर बाजोठिया रंग पाकी परवाली लाल तो वहाँ भोजन आरोग्या। सब सखियों ने पहले राज्जी और श्यामा जी को परोसा, फिर राज्जी और श्यामा जी ने इंद्रावती और सब सखियों को परोसा। कई प्रकार के व्यंजन अथाने मेवा मिठाई और राज्जी ने एक कोर एक बाइट इंद्रावती के मुख में दे दिया। ये जागनी ब्रह्मांड का एक संकेत था कि इंद्रावती जागनी ब्रह्मांड में तेरे सिर पर ये जागनी का उत्तर दायित्व है। और बाद में अंतिम सखियों को पूछा कि मारा वाला वालम जी रे प्रीतम हमारा हमने छोड़ी ने काचालिया प्राणनाथ
वाला जी ने पूछा कि सखिया वृंदावन कैसा लगा और आपकी कोई चाहना तो बाकी नहीं रही ने, दो घंटे से सुन रहे हो, आपकी कोई चाहना तो बाकी नहीं रही ने। तब सखिया ने जाके बोला कि सखिया ने बोला कि राज जी आपने प्रेम के विलास का तो सुख दिया, लेकिन बीच में अंतर ध्यान के समय आपने विरह का भी दुख दिया, तो हमको वृंदावन इतना तो प्रिय नहीं लगा, क्योंकि आपने विरह का दुख दिया ने इसलिए वृंदावन हमको शमशान घाट लगा। कैसा लगा? शमशान घाट की तरह लगा। बालाजी ने बोला कि सखिया मैं ये विरह, और सखिया ने जवाब मांगा कि तो बालाजी बताइए आपने वहाँ भी उल्हाने के वचन बोले और यहाँ भी विरह के दुख दिए। तो सखिया को समझाया कि मैं कसौटी में से बांसुरी निकाल के अधूर पर धरूँ इतनी तो देर लगती है, और आपके अंदर थोड़ा सूक्ष्म अहंकार पैदा हुआ इसलिए मैंने थोड़ी बीच में से आवेश शक्ति को खींच लिया था, मैं कहीं नहीं गया था, वन में ही था। तो सखियों ने पूछा कि आप वृंदावन में थे तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? तो ये सब आपस में बातें हुई और बालाजी ने अंतिम पूछा कि सखिया आपकी क्या इच्छा है? तब सखियों ने बोला कि हवे ने हवे रे वालैया एटलू मागो, ज्यां खीने कलगा न थईए, ज्यां विरह नहीं आपनो, चालो ते घर जाइए। तो सखिया को बोला बालाजी ने कि सखिया ये घर तो एक दिव्य परम धाम है, चलो मैं वहाँ लेकर चलता हूँ। तो सब सखिया को बालाजी परम धाम मूल तन में, मूल मिलावे में, परातम में हम सब 12,000 ब्रह्मात्माएं जग गई और हमारे दिव्य नूरी तन जो बने थे ये सबलिक के कारण शरीर में अखंड हो गए, और महाकारण में हमने जो रास खेली वो सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई, और ब्रज की लीला कारण में अखंड हो गई। और वहाँ से सुंदर साथ जी जैसी ये लीला पूर्ण हुई और हमारे साथ जो कुमारी का सखिया है 24,000 ने जो एक साथ राज्य के में वादा जो किया था, वो 24,000 कुमारी का के जीव वो विरह में अभी तड़पे नहीं थे, उसकी आत्मा तो 24,000 की चली गई थी अखंड योग माया ब्रह्मांड में, लेकिन वो जीव ने जीव विरह में नहीं तड़पे थे। तो वेदों का जो मूल है अव्याकृत के महाकारण में, उस वेदों ने भी ये माधुर्य प्रेम रस की चाहना की, तो राज्जी ने वेदों का कुमारी का सखिया जो वेद रुचाओ कही, तो वेदों ने 12,000 रूप धारण किया सखियों के रूप में, और 24,000 कुमारिकाओं के जो जीव थे उसने भी ये 24,000 रूप सखियों का धारण करके, यह के जो यूपी के गोकुल मथुरा की जो लीला हुई जो राधा वल्लभी पुष्टि मार्ग संप्रदाय मानते हैं, तो यहाँ भी 36,000 का सुंदरसा जी मेला हुआ। तो 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 वेद रुचाए, वेद ने 12,000 आत्माओं का रूप धारण करके सखियों के रूप में आई, और जैसा ही रास का जो ब्रह्मांड हमारा था ऐसा ही यहाँ जहाँ से रास अटका था वहाँ से यहाँ ऐसे ही राज्य ने एक रात्रि रास की जो महारात्रि रास की जो खेली गई, यहाँ के हिसाब से भागवत के हिसाब से 6 महीने की रात्रि कही गई, और यहाँ वैसी रात्रि बनी, वैसे ही सखिया, वैसे ही कृष्ण, वैसे ही प्रकृति के सौंदर्य, वैसे ही गाय बछड़े पूरी सौंदर्य सामग्री के भरपूर ऐसा ही यहाँ ये रास का ब्रह्मांड बनाया। यहाँ 6 महीना की रात्रि में रास रमण हुई। सुबह वो सखिया जब रास खेल के घर पे आई तो जो गोकुल बना था, तो गोप बालकों ने क्या सोचा कि हमारी सखिया जो तन छोड़ के, क्योंकि भागवत में लिखा गया है जहगुण धन्य, मतलब त्रिगुणात्मक शरीर छोड़ के गोपिया सखिया जो ब्रज से रास में गई थी, वो सखिया सुबह को रास खेल के हमारे पास से उठी है। लेकिन राजी ने बेहद वाणी के प्रकरण में बताया कि जैसे ब्रह्माय हरिया वाछरु गोपाल अलक संगाते, तो नवा जैसे नया निपज गया, मतलब नया बन गया, वैसी ही तरह, ध्यान से, वैसी ही तरह क्या हुआ, वो ब्रह्मांड बन गया। गोप बालकों को, यहाँ के गोकुल वाले को पता ही नहीं लगा कि ब्रह्मांड नया है,
और वो सखिया भी अलग है। तो यहाँ फिर 11 दिन की अक्षर की आत्मा अपने मूल तन में जागृत हो गई और 12,000 ब्रह्मात्माएं भी अपने मूल तन में परात्मा में जागृत हो गई और अक्षर की 24,000 कुमारी के जीव सिर्फ यहाँ आए और वेद रुचाओं के वेद की जो 12,000 सखियाओं आई है और वहाँ से सिर्फ गौलों की शक्ति आई और कृष्ण के तन में के अंदर प्रवेश किया। रास खेलने के बाद 11 दिन की गोकुल की, 7 दिन की और 4 दिन की मथुरा की लीला हुई। उसमें 4 दिन में कंस को मारा, चारुण मुष्टक को मारा, कुवलिया पीड़ हाथी को मारा, उग्रसेन को राज्य तिलक दिया और वसुदेव देवकी को लोह बंधन से छुड़वाया। ये 4 काम करके वहाँ से अक्रूर जी मथुरा से गोकुल में लेने के लिए आए थे। तो ये लेके जब गोकुल मथुरा पहुँचे थे, ये 4 काम करके फिर द्वारिका की ओर चल पड़े और द्वारिका में सुंदरसा जी जाके 112 साल की मथुरा और द्वारिका की लीला को लेकर, क्योंकि मथुरा में ये 4 कार्य पूर्ण जब हुए, 4 दिन की लीला जब पूर्ण हुई तो बताया कि राजबागे को कियो सिंगार, तब बल पराक्रम न रहियो जरा। तो क्या हुआ कि जैसे ही कृष्ण ने राजबागे का सिंगार किया तो अंदर से गौलों की शक्ति, वो शक्ति तो जैसे ही यहाँ की लीला प्रारंभ हुई थी यहीं की गोकुल मथुरा की, तब अक्षरातीत का आवेश तो परमधाम चला गया था, अक्षर की आत्मा भी चली गई थी। अब गौलों की शक्ति जो थी वो 11 दिन लीला हुई, 11 दिन की लीला के बाद गौलों की शक्ति भी वापस चली गई। अब सिर्फ अंदर किसकी शक्ति रही, मैंने पहले बताया था विष्णु भगवान के जीव की जो शक्ति थी वही शक्ति सिर्फ अंदर रही और पूरी मथुरा को जरासंघ ने घेर लिया। कृष्ण के अंदर वो शक्ति तो दोनों चली गई थी, गौलों की और आवेश शक्ति राज्य की, तो अंदर डर लगा कि अब मैं कैसे करूँ। तो बैकुंठ से पद्म गद्य चक्र ये सब मंगवाया, चारों शस्त्र और शिशुपाल की ज्योत जब बैकुंठ गई तो वहाँ नहीं थी। तो इसी आधार पर हम समझते हैं कि वहाँ बैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं थे, तो विष्णु भगवान की ही शक्ति कृष्ण में रही और किसी की नहीं रही। और 11 साल की 112 साल की जो लीला हुई मथुरा और द्वारिका की, और हम सबको बीतक के ओ क्या भागवत के माध्यम से विदित है कि वहाँ जाके रुक्ष्मणी का, ये वाणी के माध्यम से भी आप सबको विदित है कि वहाँ जाके लक्ष्मी जी के दृष्टा नहीं, प्रकाश ग्रंथ में बताया है कि वहाँ रुक्ष्मणी का हरण करके माधवपुर के मंडप में विवाह हुआ कृष्ण का और ब्रज का नाम लिया। मूर्छित होके जब गिर गए और सुंदरसा जी वो शक्ति ने वहाँ तक की लीला की, ये प्राणनाथ जी की वाणी में भी बताया कि 100 द्वारिका के राजा बने, रुक्ष्मणी के साथ विवाह भी हुआ। और उसके बाद तो आप सबको महाभारत के माध्यम से विदित है कि फिर कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ, फिर पांडवों धृतराष्ट्र ये सब का क्या हुआ, यादवों का नाश हुआ, ये सब लीला अंतिम हुई। और कृष्ण का भी अंतिम गुजरात में भालका तीर्थ नाम का एक स्थान है, वहाँ जरा नाम के पारधी के हाथ से उसकी अंतिम लीला पूर्ण हुई, क्योंकि अगले जन्म में वो सुग्रीव के भाई वाली को उसने मारा था जब राम के अवतार में थे, तो वही वाली दूसरे जन्म में पारधी बन के आया, शिकारी बन के आया और उसने ये कृष्ण की अंतिम लीला पूर्ण की। ये त्रिधा, उसको कहते हैं त्रिधा लीला। ये भेद सुखदेव मुनि भागवत में वर्णन नहीं कर पाए है कि 11 साल और 52 दिन की लीला अक्षरातीत के आवेश जोश और अक्षर की आत्मा के साथ हुई और 11 दिन की लीला गौलों की शक्ति के साथ पूर्ण हुई और 112 साल सब मिलाकर 125 साल की लीला हुई। तो 112 साल की लीला बैकुंठ वाले विष्णु के स्वरूप के साथ हुई, इसको कहते हैं त्रिधा लीला। तो सुंदरसा जी उसके बाद रास खेल के बरारब आए श्याम, ये लीला कल तीसरे दिन की
पहली ब्रज की लीला जो पूरा नींद का रहा, दूसरी रास की लीला आज हमने सुनी, और तीसरी जो रास खेल के वो शक्ति अक्षर की आत्म और जोश की शक्ति कल बरारब में उतरेगी, ये लीला हम कल जानेंगे। बोले श्री प्राणनाथ, चौपाई दोहराइए। ब्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मान, यही ब्रह्मांड तीसरा, जहां मोहम्मद आए रोशन, जहां मोहम्मद आए रोशन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।